नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट ड्रिल पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे, हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स नाम ने बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और उस पे हमने चला कुछ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको हमने कराया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये जो वीडियो आपका रहेगा मेन रूप से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्थानांतरण कैसे हम लोग करते हैं उस पे ये वीडियो आपका जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में भाई मेरे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आखिर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे भाई। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो भाई, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्थानांतरण, आखिर ट्रांसपोज होता क्या चीज है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है लेट ए बी द मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स है लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू एन ऑर्डर का, यदि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट ए बी द मैट्रिक्स एन इंटू एन ऑर्डर, देन we obtained, हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, we obtained transpose of a matrix, then we obtained transpose of a matrix, कैसे हम लोग obtained करेंगे, तो interchanges the rows into column, interchanges the rows into columns and columns into row। देखो इतना बड़ा कहानी, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है, मेन समझना है कि मेन इसका मकसद क्या है कहने का, ये जो लैंग्वेज लिखा गया है इसका मेन काम कौन सी है, ठीक है। इतना बड़ा लैंग्वेज लिख दिए इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये कौन सा का है, का डिफिनेशन है, डिफिनेशन रटना नहीं है, जान गए हम यहां से कि रोज रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एग्जांपल से क्या बोला है, कि यदि कोई मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है, उसको एन इंटू एन ऑर्डर का होगा, इसको चेंज करना है, जो रो होगा एन इंटू एन का होगा उसको हमको एन इंटू एन एन में कर देना है, यानी कि यदि 2×3 का मैट्रिक्स होगा ऑर्डर का, तो उसको हमको 3×2 ऑर्डर्स में चेंज कर देना है, वही मैट्रिक्स के एलिमेंट को, अदर एलिमेंट नहीं वहां पे ऐड करना है, वही मैट्रिक्स के एलिमेंट पर, तो वही इसका ट्रांसपोज हो जाता है भाई मेरे। अब देखते हैं ए जो होता है इसको डिनोट करते हैं, इट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is denoted by a dash, या इसको a to the power t का मतलब ट्रांसपोज हो गया। अब देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स यदि गिवन रहेगा आपका a is equal to 1, 2 और यहां पे 3, 2 है, ये कितने ऑर्डर का है जल्दी बताइए आप लोग, तो ये 2 रो है, 2 कॉलम है, ये 2 रो, ये R1, देखिएगा R1, R2, ये C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। तो कुछ नहीं करना, इसमें बोल रहा था डिफिनेशन ही कि जो रोज रहेगा यानी R1 रहेगा उसको C1 में चेंज करना है, जो R2 रहेगा उसको C2 में चेंज करना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि जितने भी यहाँ पे रो रहेंगे उसको कॉलम में चेंज करके, जितने भी आपका यहाँ पे कॉलम रहेगा उसको रो में चेंज कर देंगे। यदि कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया था, यही मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं 1, 2 और 3 था, इसको हमको a टू द पावर t यानी कि a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो क्या करना है हमको, बस जो रो है यहाँ पे 1, 2 जो पड़ल है, जो सूतल है, ओकरा खड़ा कर देना है, यानी 1 और 2 हो गया, जो यहाँ पे रो सूतल है 3 और 2 यहाँ पे इसको खड़ा में कर दिए, ये सूतल वाला था एलिमेंट इसको खड़ा में कर दिए, ये भी सूतल वाला था इसको खड़ा कर दिए, ये R2 था इसलिए इसको हमने C2 में शिफ्ट किया, ये R1 था इसलिए हमने इसको C1 में शिफ्ट किया, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो हम बताए थे ना, कोई भी आदमी हो, कोई भी दुनिया में किसी भी प्रकार का नियम हो, या किसी भी प्रकार के कोई भी चीज हम यदि कर रहे हैं, तो उसका अपना ना अपना कोई प्रॉपर्टीज होता है, अपना अपना गुण होता है, तो बस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, ये खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स में, मात्र 2 से 3 वीडियो और जाएगा माइनर को फैक्टर इस पे बस।
उसके बाद आपका पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट पे आपका कॉन्सेप्ट जो जाएगा, डिटरमिनेंट पे लगभग 4-5 वीडियो और जाएंगे। देख लेते हैं यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज होता है ये होता है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर दे और यदि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मिला हमको, यदि फिर से उसको ट्रांसपोज निकाले, हम लोग फिर से निकाले, तो जो मैट्रिक्स था मेरा शुरू ए मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला ए डैश, ठीक है। अब इसका फिर से यदि हम ट्रांसपोज निकाले तो ये मैट्रिक्स मेरा जो पहले वाला मैट्रिक्स था, प्री मैट्रिक्स था, पूर्व का जो मैट्रिक्स था वो वही आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दूसरा देख लेते हैं इसमें, देखो क्या कह रहा है कि यदि ये 1 2 था, 3 3 था, ये ए बराबर था, इसको ए डैश निकाला है तो क्या किया है, इसको चेंज करना है, जो सूत्र वाला होगा R1 उसको C1 में शिफ्ट करना है, तो 1 2 हो जाएगा और यहाँ 3 3 हो जाएगा। और फिर से बोल रहा है ए डैश का डैश निकालने के लिए, यानी ए टू दी पावर टी लिखे या डैश लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के लिए बोल रहा, तो फिर से इसको उल्टेंगे, जो सूत्र वाला एलिमेंट होगा 1 3 और ये 2 3 आएगा। देखो तो ये वाला चीज जो था यहाँ पे यही है, 1 2 3 3 1 2 3 3, यानी कि ए डैश का यदि ए का ट्रांसपोज निकाले, फिर से उसका ट्रांसपोज निकाले, तो मेरा पूर्व का जो मैट्रिक्स रहता है प्री मैट्रिक्स वही आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इसी में है दूसरा कि यदि कोई, देखो दूसरा यहाँ पे है, यदि कोई कांस्टेंट से गुणा रहेगा, यदि कोई कांस्टेंट से गुणा रहेगा मैट्रिक्स में, यदि उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कांस्टेंटवा में ट्रांसपोज नहीं लगाना है, बस सी और जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें ट्रांसपोज लगता है, ठीक है। अब देखो इसी में तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, इसका यदि ट्रांसपोज हम निकालना चाहें, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज निकलेगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और जब एडिशन जब करेंगे मैट्रिक्स का तो हमको ऑर्डर सेम रहना चाहिए, यानी एडिशन का जो रूल है यहाँ पे ये फॉलो करेगा, तब ये यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश होगा। अब ये रूल क्या चीज था, तो वही था कि सेम ऑर्डर रहना चाहिए एडिशन के लिए, विदाउट सेम ऑर्डर हम लोग एडिशन नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे चौथा जो इसका है, चौथा इसमें जो इसका प्रॉपर्टीज है, चौथा इसका प्रॉपर्टीज है यही है रिवर्सल रूल, इसको बोला जाता है रिवर्सल रूल। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, रिवर्सल रूल में क्या होता है, ये सब तो जोड़ वाला देखे थे इधर, अब ये गुणा वाला है कि यदि ए बी मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, m into n ऑर्डर का, ये n into p, ये समझ में आ रहा था ना, m into n यानी 2 × 3 का जो इसका कॉलम होगा वो उसका रो के बराबर होना चाहिए, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, ये हमने समझाया था। तो ए बी का यदि होल डैश यहाँ पे हमने निकाले, ए बी का डैश यदि निकाला जाए तो ये b डैश a डैश के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पे निकाले हम लोग तो ये क्या हो जाता है, b डैश a डैश का इक्वल हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें क्वेश्चन पे चलेंगे, लाइट कट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, और देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे इसमें आगे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, भाई यहां पे आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो ज्यादा कुछ नहीं, पहला तो ट्रांसपोजे निकालने के लिए रहेगा, पहला तो आपका ट्रांसपोजे निकालने के लिए रहेगा, 3 × 3 ऑर्डर का, जैसे कि 1 2 3 है, 4 2 3 है, 1 3 1 2 3 3 है। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कोई मैट्रिक्स ए दे देगा, अब पूछेगा कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो, कैसे निकालना है, जो रो रहेगा उसको कॉलम में चेंज करना है, 1 2 3, ये 4 2 3 है तो 4 2 3, ये 1 2 3 है सूत्र, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया ट्रांसपोज। दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं पे, दूसरा बस यही टाइप पे पूछेगा, अब कोई दे दिया कॉलम मैट्रिक्स दे देगा, 5 1 2 दे देगा, इसका ट्रांसपोज करेगा तो ये रो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है 5 1 2, यानी कि यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि यदि कॉलम मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, यदि रो मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे ट्रांसपोज तो वो किसमें चेंज हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे इसमें और चलेंगे,
क्वेश्चन देखो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस वही टाइप के क्वेश्चन आपका पूछेगा। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ इफ ए डैश इज इक्वल टू -23, 12 है और एंड बी इज इक्वल टू -10 और 12 है। अब यहां पे बोल रहा है कि फाइंड करना है आपको, देन फाइंड करना है ए प्लस 2b का होल डैश। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अब ये पूछ रहा है a प्लस 2b का होल डैश। हमने आपको बताया यदि a प्लस b का होल डैश यदि पूछे प्लस में, तो a डैश प्लस 2b का होल डैश, ये 2' b' डैश नहीं होगा, ये 2b का होल डैश हो जाएगा। a डैश का आपका वैल्यू दिया गया है, अब यहाँ पे 2b डैश निकालना है, तो पहले b डैश निकाल लो आप लोग। b डैश कैसे निकलेगा, ये -10 ये इधर में है तो नीचे में हो जाएगा, ये 12 ऐसे हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2b डैश, तो सब में 2 से यहाँ पे गुणा कर देना और दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो पूरा पूरा यदि हम बताने लगे तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा समय पर, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी केवल कॉन्सेप्ट रखो, ज्यादा क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस करते रहो अपने से, हम उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे इसमें चलेंगे, और जो आपका क्वेश्चन है दिया गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लिखिएगा इफ ए इज इक्वल टू sin α cos α -cos α और यहां पे है sin α। अब ये बोल रहा है कि a डैश इनटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a डैश इनटू a इज इक्वल टू i। आपको क्या करना है, सबसे पहले a डैश निकालिएगा, सॉल्यूशन लिखना है, यहां पे a डैश निकालना है, तो जो मैट्रिक्स गिवन था पहले लिखना, क्या चीज गिवन, मैट्रिक्स दिया गया है s इज इक्वल टू sin α cos α -cos α sin α। a डैश निकालने के लिए जो रो में रहेगा उसको कॉलम में चेंज करना है, यानी कि sin α cos α -cos α और ये हो जाएगा sin α, ठीक है। अब इसको क्या करना है, a डैश इनटू a, अब a तो दिया गया है आपको, अब दोनों का गुणा करना है, a डैश इनटू a, तो ये a डैश क्या था sin α, ये -cos α, ये cos α और ये था sin α। अब इसको गुणा करना है किससे, इससे गुणा करना है a से, तो a कितना है sin α cos α -cos α और sin α। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, इतना आप बताने की जरूरत नहीं है, यदि मल्टीप्लिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लिकेशन को बताया है। देखो यहां से ये तो क्लियर हो गया, अब देखो यहां से क्वेश्चन रहेगा, यदि दे देगा a बराबर, आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा a डैश का डैश इज इक्वल टू a होता है, a प्लस वही वाला प्रॉपर्टीज, a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश होता है, पूछ देगा कि a b का होल डैश बराबर b डैश a डैश होता है, ये सब प्रूफ करने के लिए आपको दे देगा a कोई मैट्रिक्स दे देगा 1 2 3 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ज्यादा कुछ नहीं, बस यही तक क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है आपसे। a बराबर दे देगा 3 × 3 का मैट्रिक्स दे देगा 1 2 4 5 4 3 2 3 6, यहां पे ये दे देगा, बस यही चीज प्रूफ करने के लिए ज्यादा तक पूछेगा कि प्रूफ करो कि a डैश का डैश, ये डैश का होल डैश इज इक्वल टू a होता है, a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश होता है, a b का डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश होता है। तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप आसानी से बता सकते हो। तो भाई बस वीडियो का यहीं तक अंत करते हैं, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि फ्री कंटेंट उन लोगों को भी आसानी से प्राप्त हो जाए और जब हम वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो देखिए अब चलेंगे हम लोग माइनर टू फैक्टर का, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद।